वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए ज्योग्राफी का वीडियो लेके आए हैं, पार्ट 5 ज्योग्राफी वन लाइनर। आज बात करेंगे हम भारत के खनिज की। भारत में खनिज में हम आपको बताएंगे देश का पहला। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ गलत लगे या फिर आप कुछ करेक्ट करना चाहें तो हमें आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया था कि भारत में राजस्थान में तिलहन की जगह दलहन बोल दिया था, तो मैं इसीलिए आपको करेक्ट कर रही, मतलब अपने आप को मैंने करेक्ट किया और मैंने इसमें आपको बताया कि भारत में राजस्थान में तिलहन का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा और दलहन का होता है एमपी में। चलिए अब बात करते हैं भारत में खनिज की। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां लगा? उत्तर है 1875 इसमें कुलती पश्चिम बंगाल। भारत में पहला अल्मीनियम कारखाना कहां लगा? उत्तर है 1937 में आसलोन। दोस्तों खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधन संपद देशों में की जाती है। चूंकि दोस्तों भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीन दृढ़ भूखंडों का योगदान है, अतः यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है। एक तरफ जहाँ पर लोहा, मैंगनीज, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, बेराइट, मैग्नेसाइट, टिन आदि धात्विक खनिज मिलते हैं, तो दूसरी तरफ अधात्विक खनिजों जैसे अभ्रक, पायराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, काइनाइट, इमारती पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, विभिन्न प्रकार की मिट्टी आदि मिलते हैं। अणुशक्ति के खनिजों तथा यूरेनियम, थोरियम, जिरकॉन, सुरमा, ग्रेफाइट आदि भारत में यथातथ मिलते हैं। और प्राकृतिक शक्ति साधनों में कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैसों की भी प्राप्ति स्थलीय एवं अपतट क्षेत्रों में होती है। दोस्तों भारत में जो खनिज क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है जैसे उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्र। यह क्षेत्र दोस्तों भारतीय खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारतीय खनिज का हद स्थल कहा जाता है। यह आर्कियन शिल्ड क्षेत्र है जिसका संपूर्ण भाग उड़ीसा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग आदि से बना है। यहाँ का मुख्य खनिजों का में कोयला आता है, लोहा आता है आपका, मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट आदि बहुतायत में मिलते हैं। इस क्षेत्र में काइनाइट 100% है और लौह अयस्क 93% है, कोयला दोस्तों 84% है। अगर दोस्तों इसमें मतलब आपको फिगर में या फिर किसी में भी लगता है कि नहीं मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना कब की गई? 1973 में। दोस्तों देखिए उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्र मैंने आपको बताया खनिज का जहां मिलते हैं खनिज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये जो जहाँ मैंने बताया आपको भी कि उड़ीसा का जो संपूर्ण भाग है, उड़ीसा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी आदि से मतलब बना है। मध्य क्षेत्र है दोस्तों ये भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पूरी महाराष्ट्र के क्षेत्र तक है। इस क्षेत्र में मुख्यतः दोस्तों मैंगनीज, बॉक्साइट, कोयला, लोहा, अयस्क, ग्रेफाइट, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। दक्षिण क्षेत्र में जैसे कि कर्नाटक का पठार हो गया, तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र शामिल है। यहाँ पे लो अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट आदि खनिज प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में न्यावली के लिगाइट को छोड़कर कोयला, तांबा एवं अभ्रक की उपलब्धता ज्यादा है, नगण्य है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आते हैं आपका दक्षिणी कर्नाटक और गोवा इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर लो अयस्क तथा क्ले मिलती है। उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में आता है अरावली के क्षेत्र, गुजरात के भाग आते हैं। यहाँ दोस्तों यूरेनियम हो गया, अभ्रक हो गया, खनिज तेल के क्षेत्र रूप में जाना जाता है। अलोह खनिज जिसमें मुख्य रूप से तांबा, शीशा, जस्ता आदि शामिल है। अणुशक्ति के खनिज दोस्तों है कि भारत में कोयला, खनिज तेल तथा जल विद्युत शक्ति के ऊर्जा संसाधनों की कमी को देखते हुए अणुशक्ति पर जोर दिया जा रहा है। यह ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसमें कम मात्रा में खनिज विशेष का उपयोग करके मजबूत सुरक्षात्मक उपयोग अपनाकर अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। भारत में जो मिलने वाले अणुशक्ति के प्रमुख खनिज है उनमें सुन लीजिए कौन कौन से हैं। वो है दोस्तों थोरियम, मोनाजाइट, यूरेनियम, एंटीमोनी, वैनेडियम, जिरकॉन, बेरिलियम,
भारतीय खनिज की संपदा की स्थिति ये है कि यहाँ पे लो अयस्क, अभ्रक, दुर्लभ मुद्राएं, टिटेनियम अयस्क तथा थोरियम अयस्क के उत्पादन में भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। सामरिक महत्व में 10 खनिजों की मात्रा भारत में अपर्याप्त है, इसकी कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। ये खनिज हैं प्लेटिनियम, जिंक, ग्रेफाइट, शीशा, सल्फर, पोटास, पारा जिसे हम मरकरी कहते हैं, टिन तथा निकल। भारत में सामरिक महत्व के 26 खनिजों की प्राप्ति होती है, जिनमें एल्यूमिनियम है, कोयला है, क्रोमियम है, एंटीमोनी, तांबा, मैंगनीज, मैग्नीशियम, अभ्रक है, यूरेनियम है, शीशा है, पारा, टिन, जिंक, निकल, ग्रेफाइट, सल्फर आदि शामिल हैं। तो मैं आपको विश्व में खनिज की प्राप्ति से भारत में कुछ खनिजों की प्राप्ति बहुतायत से होती है, तो कुछ मात्रा आवश्यकता भर के लिए ही उपलब्ध होती है, मतलब कुछ है कि हाँ आवश्यकता के लिए ही है। इसके अलावा कुछ खनिज है जिनकी भारत में कमी है, जिनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए बाहर से मंगाया जाता है, आयात किया जाता है, तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया क्या क्या है। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित हुआ? उत्तर है दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में। रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? उत्तर है बोकारो, झारखंड। राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? उत्तर है जर्मनी। रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है? उत्तर है भिलाई, छत्तीसगढ़ में। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? उत्तर है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। दोस्तों, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है ये भी देख लीजिए। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1907 में। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर है झारखंड में। दोस्तों, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम हैं, जैसे आप लोहा है, अभ्रक है, कोयला, बॉक्साइट जिससे अल्मोनियम बनता है, बॉक्साइट जिससे अल्मोनियम बनता है, नमक है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में कुछ अनेक ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ खान से नमक निकाला जाता है। दोस्तों, वैसे खनिज शब्द का अर्थ है खनिज, खनी, धन, जा, अर्थात खान से उत्पन्न, और इसका अंग्रेजी शब्द है मिनरल। किस राज्य से देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है? उत्तर है राजस्थान से। झारखंड व उड़ीसा राज्यों से किसे देश का कितना प्रतिशत लोहा प्राप्त होता है, किया जाता है? उत्तर है 75%। ज्वार खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है जस्ता उत्पादन के लिए। लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? उत्तर है तमिलनाडु में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है? उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? उत्तर है 1953 में। दोस्तों, अब आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है कि अभी भी प्रॉब्लम हो रही है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? उत्तर है 1953 में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1953 में। बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? उत्तर है 1918 में।
कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर बाद में विश्वेश्वरैया लोह इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई? 1923 में। किस सन में कुलचे एवं हीरापुर 1908 में स्थापित के कारखानों की भारतीय लोह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया था? उत्तर है 1936 में। विशाल जी एक्चुअल में बहुत लोग कहते हैं कि आप धीरे पढ़ाने लगे हो, फिर कुछ कहते हैं तेज, तो आप ठीक है, आपने मुझे बोल दिया कि जल्दी जल्दी ना बताऊं, मैं इसलिए आराम से बता रही हूँ। 1937 में किस स्थान पर कॉर्पोरेशन ऑफ, इसको क्लियर कर लीजिए, स्टली नहीं है, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? उत्तर है बर्नपुर। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? उत्तर है 1953 में। उन्नीस सौ तिरपन में बर्नपुर, हीरापुर एवं कुलची के कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है इसको। द्वितीय योजना काल में लगाए गए तीन नए कारखानों में कौन से थे, नाम नए कारखाने कौन से थे? उत्तर है भिलाई, राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया था? उत्तर है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना का निर्णय किया गया था? उत्तर है बोकारो। बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? उत्तर है 1974 में। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए डेली ये वीडियो लाता है कि आपको समय समय पर हम नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करा सकें, जिससे आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो। और अभी कई सारे लोगों ने बोला है जेपीएससी के लिए बनाने के लिए, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम जेपीएससी का भी बहुत जल्दी 18 तारीख को एग्जाम आ रहा है, 18 दिसंबर को आ रहा है, तो उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत जल्दी आपको उसके बारे में भी हम सारा बताएंगे। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? उत्तर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के जगह लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं? उत्तर है विशाखापट्टनम एवं विजयनगर। भारत कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? उत्तर है चीन, जापान और अमेरिका। तो सेल भारत में सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी है। इसका कारोबार लगभग 50,627 करोड़ रुपए है, इस कंपनी का कारोबार। और यह देश में लाभ कमाने वाली 7 शीर्ष कंपनियों में से एक है। देश के विभिन्न भागों में सेल के 5 एकीकृत इस्पात संयंत्र है, 3 विशेष संयंत्र और 1 सहायक इकाई है। मैंने ये आपको स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के बारे में बताया दोस्तों। भारत के पास कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का कितना भंडारण है? 77 मिलियन मीट्रिक टन और 1241 टन। प्राकृतिक गैस क्षेत्र जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों, रिफाइनिंग और माया की देश के उत्पादन यानी जीडीपी में कितना प्रतिशत की भागीदारी है? उत्तर है 15%। दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। ये जो कारखाना है राष्ट्र में रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का एकमात्र निर्माता तथा संरचनाओं का प्रमुख उत्पादक है। देश में 260 मीटर की रेल की सबसे लंबी पटरियों के एकमात्र सप्लायर इस कारखाने की वार्षिक उत्पादक क्षमता 31,53,000 टन विक्रय इस्पात की है। यह कारखाना वायर रोड तथा मर्चेंट उत्पाद जैसे विशेष सामान भी तैयार करता है।
भिलाई के कारखाने इसके बस्ती और डल्ली खानों के पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। यह देश का एक ऐसा एकमात्र कारखाना इस्पात कारखाना है जिसे इन सभी क्षेत्रों में प्रमाण पत्र मिले हैं, जैसे ISO में और भी कई अलग जो हैं उसमें का प्रमाण पत्र मिले हैं। क्षेत्रों में कारखानों के सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए ऐसे 8,000 प्रमाण पत्र और व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए OHSAS 18,001 प्रमाण पत्र भी प्राप्त हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको भिलाई के संयंत्र के बारे में बता रही थी। भारत विश्व का देश दोस्तों कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? उत्तर है चौथा। दोस्तों अब बात करते हैं दुर्गापुर इस्पात कारखाने की। दुर्गापुर इस्पात कारखाना 1950 के अंतिम वर्षों में 10 लाख टन कच्चे इस्पात प्रतिवर्ष की क्षमता से स्थापित किया गया था। बाद में इसकी क्षमता बढ़ाकर 1970 के वर्षों में 16 लाख टन कर दी गई थी। और दोस्तों 1990 के प्रारंभिक वर्षों में कारखाने के आधुनिकीकरण का एक विशाल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसकी इसकी क्षमता 20 लाख 1,000 टन धन, मतलब इससे भी ज्यादा धातु, 18 लाख टन कच्चे इस्पात और 15 लाख से भी ज्यादा टन विक्रय इस्पात की हो गई थी। आधुनिकीकरण के बाद अब दुर्गापुर में इस्पात निर्माण के लिए अति आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। जिन यूनिटों का आधुनिकीकरण किया गया है जिनमें उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा की खपत में काफी कमी तथा बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार हो रहे हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाने का संपूर्ण इस्पात निर्माण कॉम्प्लेक्स तथा ब्लूमिंग एवं बिलेट मिल, मर्चेंट मिल, स्कैल्प मिल, सेक्शन मिल और व्हील एवं एक्सल संयंत्र सहित महत्वपूर्ण मिले हैं क्षेत्र हैं। भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में से निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कौन सी है? दो हैं। विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत के अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? उत्तर सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर व ऑस्ट्रेलिया। रूस के सखालिन एक तेल क्षेत्र में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? उत्तर है 20%। खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? उत्तर है हथकरघा। हथकरघा जो है वो खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलत लग रहा है कि मैं कुछ गलत आपको बता रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वीडियो में आपको आवाज नहीं क्लियर आ रही है तो आप बता सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि लघु उद्योग क्या होता है? दोस्तों लघु उद्योग वो होता है जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करते हैं। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। दोस्तों ये बड़े पैमाने के उद्योगों से पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन एवं प्रबंधन, आगतों एवं निर्गतों के प्रवाह इत्यादि की दृष्टि से भिन्न प्रकार की होती है। दोस्तों ये कुटीर उद्योगों से भी इन आधारों पर भिन्न होती है। उत्पादन में यंत्रीकरण की मात्रा, मजदूरी पर लगाए गए श्रमिकों एवं पारिवारिक श्रमिकों के अनुपात, बाजार का भोल आकार, विनियोजित पूंजी इत्यादि। दोस्तों लघु उद्योगों का जो मतलब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो तीन तरीके से करते हैं, तीन प्रकार के उद्योगों से, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। लघु उद्योगों को विनियोजित राशि के मापदंडों से वर्गीकरण किया जाता है। लघु उद्योग वह है जहां प्लांट एवं मशीन में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम होता है। मध्यम उद्योग जो वो होता है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से रुपए कम होते हैं। सेवा उद्योग के स्वरूप में एक सूक्ष्म उद्योग वह वहां जहां पे उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से आगे नहीं बढ़ता, और लघु उद्योग जहां उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से लेकिन अधिक 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। तो लघु उद्योगों की मैंने बारे में बताया कि तीन तरीके के होते हैं ये, सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग। रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश में कौन सा है? उत्तर है दूसरा, कृषि के बाद। देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना पोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में कब लगाया गया?
उत्तर 1818 में। मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया? उत्तर है 1854 में। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 में पश्चिम बंगाल में किस शहर में लगाया गया? उत्तर है रिसरा। भारत की में उनकी पहली मिल 1870 में कहाँ स्थापित की गई? उत्तर है कानपुर। इसे आई थिंक लाल इमली कहते हैं। भारत में कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के सीरामपुर में किस वर्ष में लगाई गई थी? उत्तर है 1812। दोस्तों अगर वीडियो में आपको अभी नहीं सुनाई पड़ रहा है या कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज हमें बता सकते हैं लाइव चैट में। भारत का प्रथम रेयान कारखाना किस सन में रायपुरम केरल में ट्रावणकोर रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित हुआ? उत्तर है 1950 में। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? उत्तर है जूट उद्योग का। भारत में संपूर्ण विश्व को कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? उत्तर है 35%। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर है राजस्थान। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब की गई? उत्तर है 1936 में, 1936। सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है 1906 में, 1906 में, रानीपेट नामक स्थान पर। अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है 1944 में, बेलेगुला नामक स्थान पर। भारत में किस प्रकार के उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है? उत्तर है नाइट्रोजनी उर्वरक की। भारत में किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? उत्तर है पोटास उर्वरक के लिए। भारत में किस स्थान पर टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक है? उत्तर है बेंगलुरु और रूप नारायणपुर में। भारत के किस राज्य से द्वितीय रेशम प्राप्त होता है? उत्तर है कर्नाटक से। भारत के किस नगर में चर्म उद्योग सबसे अधिक है? उत्तर है कानपुर, उत्तर प्रदेश, चमड़ा उद्योग। अब आई थिंक ये तो ट्रांसफर होकर उन्नाव की तरफ चला गया है, जा रहा है, पर चर्म उद्योग, मतलब चमड़ा उद्योग सबसे अधिक किस नगर में है, भारत के किस नगर में? तो कानपुर, उत्तर प्रदेश। वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? उत्तर है 1940 में। देश का पहला निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है जमशेदपुर, हाँ, झारखंड में। अनुपमा जी, मैं अभी आपको रिप्लाई इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और आपके मैं आंसर्स
जो क्वेश्चंस आप मुझसे पुटअप करते हो मैं उसके आंसर्स दूंगी, बट अभी क्या है कि अभी ये हमें कंप्लीट कराना है क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्जाम हैं, तो इस वजह से ये कंप्लीट कराना है। भारत के किस राज्य में कोयले के भंडार सुरक्षा, झारखंड? भारत के किस उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ? उत्तर है लोह इस्पात उद्योग पर। मैं बोल रही हूँ ना, इसमें अगर कोई भी फैक्ट आपके मतलब हम जो बता रहे हैं वो गलत है तो आप हमें करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमको, तो हम अगर हमने कुछ गलत किया है, जैसे कल मैंने गलत बोला था तो मैंने उसको आज करेक्ट किया, तो दूसरे जो आपका जो कल का वीडियो बनेगा उसमें हम जो भी इसमें जो गलत बोलते हैं या जो भी हमसे गलत हो जाता है तो हम उसमें करेक्ट कर देते हैं। सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर है? उत्तर है मुंबई हावड़ा वाया रायपुर। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? उत्तर है जूट व रुई उद्योग। होजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर है पंजाब। रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर है कर्नाटक। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट उद्योग में उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? उत्तर है द्वितीय। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उर्वरक उर्वरक कारखाना है? उत्तर है सिंदरी, झारखंड। भारत के किस नगर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? उत्तर है बेंगलुरु। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं? उत्तर है चाय उद्योग। टेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है अखबारी कागज के लिए। सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की? उत्तर है जॉर्ज ऑकलैंड। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया गया था है? उत्तर है चितरंजन, वाराणसी। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? उत्तर है महरोरा, बिहार में। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर है डिबोई, असम। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? उत्तर है पेंसिलिन उद्योग। कौन से राज्य में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है? उत्तर है पंजाब व तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? उत्तर है बरेली। दिया सलाई माने दोस्तों माचिस। भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? उत्तर है अहमदाबाद। भारत में पिराई मिल व ताले का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर है अलीगढ़। दोस्तों कहते भी ना कई लोग जुमला पढ़ते हैं, अलीगढ़ का ताला लगा लो मुंह में, तो ताले का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? अलीगढ़। चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है सीमेंट उद्योग। शीशा उद्योग व कांच उद्योग भारत में किस नगर में सबसे अधिक है? उत्तर है फिरोजाबाद। देखिए दोस्तों ये आरओ में भी क्वेश्चन आया था, और इस सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में चूड़ियां, कांच की चूड़ियां बहुत ही फेमस हैं। ये मैंने एक और भी वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था आपको। भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है रेशम उद्योग के लिए। मैसूर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तार व केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? उत्तर है रूप नारायणपुर, पश्चिम बंगाल। भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? उत्तर है मुरादाबाद। सिनेमा उद्योग भारत में के किस नगर में है? उत्तर है मुंबई। देखिए खजिन लिखा है इसमें, खनिज पदार्थों की दृष्टि से, मिसप्रिंट है आप करेक्ट कर लीजिए, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? उत्तर है छोटा नागपुर का पठार। कुद्रेमुख लोह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है? उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में बाबूदन की पहाड़ियां किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर है लो अयस्क। भारत में पाया जाने वाला लोह अयस्क किस प्रकार का है? उत्तर है हेमेटाइट। टावर और रामपुरा अगुचा खान किस खनिज से संबंधित है? उत्तर है जस्ता व और सीसा। पलामू एवं लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है बॉक्साइट। भारत का 55% अभ्रक कौन सा राज्य होता है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है अभ्रक। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर है प्रथम।
दोस्तों, अगर वीडियो में अभी अभी आपको कोई दिक्कत आ रही है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो आप हमें बता सकते हैं। अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? उत्तर है प्रथम। दोस्तों, अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो अग्नि एवं कायंत्रित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। इसे बहुत पतली पतली परतों में चीरा जा सकता है। यह रंग रहित होता है, हल्के पीले या काले रंग का होता है। अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक है। इसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ मिले रहते हैं। अग्नेय चट्टानों में प्रायः अभ्रक पाया जाता है। वायु तथा धूप आदि से प्रभावित होकर कभी कभी सिलिकेट खनिज भी अभ्रक में बदल जाता है। तो मैंने आपको बताया इस अभ्रक के बारे में। यद्यपि दोस्तों देश में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तथापि इसका अधिकांश कच्चे माल के रूप में विदेशों को भेज दिया जाता है। हमारे अपने उद्योग में इसकी खपत प्राय नहीं के बराबर है। इसमें संदेह नहीं कि अधिक मात्रा निर्यात के कारण दोस्तों इस खनिज द्वारा विदेशी मुद्रा का अपार्जन यथेष्ट हो जाता है, किंतु यदि इसको देश में ही परिष्कृत पदार्थ के रूप में दिया जा सकता है, अधिक आय होने की संभावना है। व्यापार की दृष्टि से अभ्रक के दो खनिज श्वेता अभ्रक और फ्लोगोपाइट अधिक महत्वपूर्ण है। अभ्रक का प्रयोग बड़ी बड़ी चादरों के रूप में तथा छोटे छोटे या चूर्ण के रूप में होता है। बड़ी बड़ी परतों वाला अभ्रक मुख्यतः विद्युत उद्योग में काम आता है, और विद्युत का असंवाहक होने के कारण इसका उपयोग कंडेंसर, टेलीफोन, डायनेमो आदि के काम में होता है। पारदर्शक तथा तापरोधक होने के कारण यह लैंप की चिमनी, स्टोव, भट्टियों आदि में प्रयुक्त होता है। अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाकर माइक्रोनाइट बनाया जाता है। अभ्रक के छोटे टुकड़े रबड़ उद्योग में रंग बनाने में, मशीनों में चिकनाई देने के लिए भी काम में आते हैं, तथा मानपत्रों आदि की सजावट में भी काम आता है। दोस्तों, अभ्रक पारदर्शी होता है, साथ ही ये ताप के आकस्मिक उतार चढ़ाव का भी उस पर अधिक असर नहीं होता है, इसलिए भट्टियों में अग्नि रोधक पलस्तर करने का काम आता है। आयुर्वेद में अभ्रक का जो यूज है, संस्कृत में जिसे अभ्रक कहते हैं वह हिंदी में अभ्रक, बंगला में अभ्र, फारसी में सितारा, जमीन तथा लैटिन और अंग्रेजी में माइका कहलाता है। काले रंग का अभ्रक आयुर्वेदिक औषधि के काम में लेने का आदेश है। साधारणतया अग्नि का इस पर प्रभाव नहीं होता, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। फिर भी आयुर्वेद में इसका भस्म बनाने की रीतियां, या भस्म, शीतल, धातुवर्धक और त्रिदोष, विषविकार तथा कृमि दोष को नष्ट करने वाला, देह को दृढ़ करने वाला तथा अपूर्व शक्तिदायक कहा गया है। अभ्यक के जो प्रमुख खाने हैं वह कोडरमा में है, रिडीह में है, चाकल में है, सिंगूर में है, मुंगेर में है, नेल्लोर में है, गुंटर में है, उदयपुर में है, और भीलवाड़ा और अजमेर में भी है। गुजरात में स्थित मोतीपुर खान में किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है? उत्तर है सफेद संगमरमर। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है कोयला। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? उत्तर है गोंडवाना। गोंडवाना में भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब और कहाँ किया गया था? उत्तर है रानीगंज। न्यू वेली खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है लिग्नाइट। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य से पाया जाता है? उत्तर है झारखंड। भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? उत्तर है अवसादी चट्टानों में। अभ्रक मैंने अभी बताया आपको, विशाल जाधव जी, विशाल जी, मैंने अभी आपको अभ्रक के बारे में बताया कि अभ्रक को अंग्रेजी में माइका कहते हैं। भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? उत्तर अवसादी चट्टानों में। भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड में पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कहाँ हुआ था? डिगबोई, कहाँ? असम में। ONGC का फुल फॉर्म पहले क्या है? जानते हैं, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग। और ONGC की स्थापना कब की गई? उत्तर है 1956 में। 1956 में ONGC की स्थापना की गई। दोस्तों, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वीडियो ONGC का फुल फॉर्म दोस्तों हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। कब
काई कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? उत्तर है कृष्णा और गोदावरी। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? उत्तर है राजस्थान। दोस्तों तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड 23 जून 1993 से प्रारंभ हुई थी। ONGC के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। इसे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 द्वारा 335वें स्थान पर रखा गया है। यह भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी। इसे 14 अगस्त 1956 को एक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। इस कंपनी में भारत सरकार की कुल इक्विटी हिस्सेदारी है 74.14%। ONGC कच्चे तेल के अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में संलिप्त है। इसकी हाइड्रोकार्बन की अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों भारत के 26 तलछट्टी बेसिनों में चल रही है। दोस्तों ये भारत के कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का लगभग 30% उत्पादन करती है। इसके स्वामित्व में एक 11,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिसका परिचालन यह स्वयं करती है। मार्च 2007 का यह मार्केट कैम के संदर्भ में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये मैंने आपको ONGC के बारे में बता दिया है। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? उत्तर है राजस्थान। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? उत्तर है जादूगौड़ा। विश्व की जनसंख्या। दोस्तों विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? उत्तर है चीन। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? उत्तर है नाइजीरिया। जनसंख्या के सबसे अधिक भार कहां पाया जाता है? उत्तर है एशिया। जनसंख्या सबसे कम भार कहां पाया जाता है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर है अफ्रीका। पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। एशिया महाद्वीप में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? उत्तर है 55%। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम कल आपका इसका एक और पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 6। तो आपने जल्दी कमेंट दीजिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है। जरूर उस टॉपिक वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको गलत लगता है तो मैं प्लीज करेक्ट करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।